मैं सत्येंद्र कुमार सोरोत, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 55 फरीदाबाद। सर, चुनाव थे, किसके चुनाव थे और आपको सर चुना गया है? हरियाणा स्कूल एजुकेशन ऑफिसर्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फरीदाबाद का यह चुनाव था और मैं पिछले टर्म में भी प्रधान रहा हूँ और पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने बहुत सारे काम किए और सभी साथियों ने अभी सर्वसम्मति से पुनः मुझे निर्वाचित घोषित किया है, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं आगे चल कर के यह आश्वासन देता हूं कि मैं आप सबके साथ सदैव आगे खड़ा रहूंगा और प्रदेश भर में भी जहां कहीं आवश्यकता होगी वहां भी मैं जाऊंगा, सभी मीटिंग्स में जाऊंगा, कहीं पर भी कोई डायरेक्टर से मिलने की बात होगी, कहीं अधिकारियों से मिलने की बात होगी, वहाँ पर मैं सदैव आपको सामने खड़ा हुआ मिलूंगा। सर, ये दूसरी बार है या तीसरी बार? यह मेरा दूसरा टर्म है। उससे पहले एक एडहॉक बेस पर एक तरह से जब हमारे पूर्व अध्यक्ष वो रिटायर हुए थे तो कार्यकारी अध्यक्ष के नाते भी मैंने एक पहले टर्म पूरी कर चुका हूँ। तो लगभग तीसरी बार है? यह तीसरी बार भी कह सकते हैं आप। सर्वसम्मति से चुने गए? सर्वसम्मति से चुना हुआ है जी। क्या प्राथमिकता रहेगी सर आपकी? हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम प्रदेश कार्यकारिणी के साथ मिलकर के सरकार पर यह दबाव बनाएं कि हमारे प्रधानाचार्यों को एक केंद्र सरकार की तर्ज पर क्लास 1 भी घोषित किया जाए और ग्रेड भी उनके समान किया जाए। साथ में हमारे जो BEO और डिप्टी DEO वगैरह की जो प्रमोशन होती हैं वह भी समय से पूरी होती रहें, जिससे कि हमारे फील्ड का काम अच्छे से सुचारू रूप से चलता रहे और जैसे हमारे साथियों ने कई मांगें रखी उनके मान सम्मान के लिए भी, जो एक पुराने अंग्रेजों के समय से भाषा चली आ रही है कि हर लेटर की में एक लाइन लिखी होती है आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, हर लेटर में धमकी दी हुई होती है, वो अच्छी नहीं लगती है। जिम्मेवारी हमारी है ही, हम काम करने के लिए तैयार भी हैं और करते भी हैं, उस लाइन को नहीं भी लिखेंगे तब भी जिम्मेवारी है तो वह अपमानजनक लगती है, तो ऐसी पंक्तियाँ भी उसमें से हटाने के लिए हम दोबारा से उसके लिए कहेंगे। पहले भी हमने कह चुके हैं, उसका कुछ असर भी दिखाई दिया आंशिक रूप से, वो पुनः क्लर्क वही उसी भाषा पर आ जाते हैं और अधिकारी भी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो इसके लिए भी हम करेंगे कोशिश। मैं दयानंद रावत। आज इस चुनाव के ऑब्जर्वर थे। आज हाँ, सर्वसम्मति से सर को चुना गया है, प्रधान बनाया गया है। सर, एक बड़ी समस्या देखने को मिली है कि जहाँ टीचरों को पढ़ाने की तो जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है, ड्यूटी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अन्य जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे कि चुनाव में लगा दिया, कहीं और लगा दिया, उससे बच्चों की शिक्षा ही बाधित होती है, तो आप क्या विचार रखते हैं? हाँ, मेरा इसके लिए यही विचार है, जो हमारा एसोसिएशन का जो चुनाव हुआ है वो इन्हीं मुद्दों के ऊपर है कि हम स्कूलों में अच्छा करें, परंतु हमें इसके लिए करने के लिए अवसर नहीं मिलता। स्कूल में पढ़ाई के अलावा हमारे से जो बहुत सारे कार्य ऐसे कराए जाते हैं जिनसे हमारे स्कूलों में प्रभाव, बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सर, इसको लेकर कभी आप शिक्षा मंत्री से मिलेंगे या आगे क्या प्लानिंग बना रखते हैं? पिछली हमारी जो एसोसिएशन है उसमें पहले से भी हम इन मुद्दों को उठाते रहे और आगे भी इन मुद्दों को हम इसी तरह उठाते रहेंगे।